नैब लाहौर में रीजनल बोर्ड मीटिंग के इजलास में अहम फैसला, राना सनाउल्ला के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पर रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। जराए का बताना है कि राना सनाउल्ला पर 19 करोड़ से ज्यादा की असासाजात बनाने का इल्ज़ाम है। नैब लाहौर ने रेफरेंस दायर करने की तफसीलात चेयरमैन नैब को भिजवा दी हैं। चेयरमैन नैब की हतमी मंजूरी के बाद ही रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब लाहौर में रीजनल बोर्ड मीटिंग के इजलास में अहम फैसला किया गया है। राना सनाउल्ला के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पर रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। राना सनाउल्ला पर 19 करोड़ से ज्यादा की असासाजात बनाने का इल्जाम है। नैब लाहौर ने रेफरेंस दायर करने की तफसीलात चेयरमैन नैब को भिजवा दी हैं। चेयरमैन नैब की हतमी मंजूरी के बाद ही रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब लाहौर में रीजनल बोर्ड मीटिंग के इजलास में अहम फैसला किया गया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बर्ड, बताइएगा, राना सनाउल्ला के खिलाफ अब रेफरेंस दायर किया जाएगा? आज बिल्कुल नैब जिला की जानकारी बताया गया है कि आज नैब लाहौर में रीजनल बोर्ड मीटिंग का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसके अंदर अहम तरीन जो राना सनाउल्ला के खिलाफ केस था उस पर रेफरेंस दायर करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई है। जरा की जरूरत बताया गया कि बोर्ड के सामने ये तमाम तर तफसीलात रखी गई कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक राना सनाउल्ला के पास 19 करोड़ रुपए से जायद के ऐसे असासे मौजूद हैं जिसका वो रिकॉर्ड नैब लाहौर को फराहम नहीं कर सके। बाकायदा तौर पर इसकी जो मंजूरी है अब वो देते हुए ये केस चेयरमैन नैब को भिजवाया गया है, जिसकी हतमी मंजूरी चेयरमैन नैब देंगे और चेयरमैन नैब की हतमी मंजूरी के बाद ये केस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। जरा की जानकारी बताया गया है कि मजीद केसेस भी चेयरमैन नैब की जानब से हिदायत जारी की गई है कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाए जाएं, और इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि राना सनाउल्ला के खिलाफ ये रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है और दीगर जो अहम केसेस चलाए जा रहे हैं नैब लाहौर में या जितने भी पूरे पाकिस्तान के ब्यूरोज हैं उनको भी जल्द अज जल्द निपटाने की जो हिदायत है वो जारी कर दी गई है। हिदायत जारी कर दी गई हैं। साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका।